लाइफ के ये जो एक दो साल हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइफ में हमेशा स्ट्रगल आते हैं, कईयों का सक्सेस लेट लिखा होता है, लेकिन अगर आपकी मेहनत कॉन्स्टेंट है तो सबका जो टाइम जोन अलग अलग है उसमें भी आपको अपनी सक्सेस मिल जाएगी। कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं ठीक है जिनके पास कंटेंट की अवेलेबिलिटी नहीं है ठीक है, और वो पढ़ना चाहते हैं तो बुक से अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं। आज चलो मान लो यूट्यूब है, हमारे टाइम पे नहीं था यूट्यूब, इतना कंटेंट नहीं था तो हमारे लिए बुक ऑप्शन बचती तो हम बुक खरीद लेते थे। आज की डेट में जब आपको कंटेंट दिया जा रहा है पहले उसको पढ़ लो, आप अपने होमवर्क को ढंग से करो, डीपीपीस को ढंग से करो, मॉड्यूल को ढंग से करो, टेस्ट को अच्छे से दो। अगर आपको लगता है कि सब कुछ करने के बाद भी सर टेस्ट में मेरे को लग रहा है कि हाँ थोड़ी सी कमी रह गई है, प्रैक्टिस और चाहिए, आप रेफरेंस बुक उठाइए कोई भी करिए फिर, लेकिन बेसिक सेट को कंप्लीट करिए। PYQs की बुक मैं पहली बता चुका हूँ, आप ले लें। PYQs की बुक आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिर मेडिकल में जो भी स्टूडेंट जो भी बच्चा है उसको अपनी PYQs की बुक खरीदनी कंपलसरी है। सर कौन सी किताब लें उसमें, इनकी लें उनकी, अरे भाई पास्ट ईयर के क्वेश्चन, ऐसा तो है नहीं ना कि भाई अरिहंत वाले बोलेंगे ना बहुत आसान क्वेश्चन पूछ लिया नीट वाला, हाँ जेई का डाल दिया उसमें, हाँ थोड़ा सा तड़का डाला, ऐसा तो होगा नहीं ना कि वो चेंज करेंगे। पास्ट ईयर क्वेश्चन आ गया है पास्ट में तो वैसे ही लिखी, यार खुद भी तो दिमाग लगाओ ना यार। मम्मी ने बोला था कि सारे बच्चे को वो बोलना कि सीरियसली पढ़ाई करें, लाइफ के ये जो एक दो साल हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भले सिलेक्शन हो या ना हो डजंट मैटर, लेकिन आपको अपनी तैयारी हमेशा आगे करते रहना चाहिए। लाइफ में हमेशा स्ट्रगल आते हैं, कईयों का सक्सेस लेट लिखा होता है, लेकिन यस उसके लिए निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। कईयों का सक्सेस पहले लिखा होता है लेकिन सबका टाइम जोन अलग है। अगर आपकी मेहनत कॉन्स्टेंट है तो सबका जो टाइम जोन अलग अलग है उसमें भी आपको अपनी सक्सेस मिल जाएगी। दूसरों का देख के कभी जलना नहीं। बेटा आप कल पर टालिए, कल किसी ने नहीं देखा, कल हो सकता है आपके पास और काम आ जाए, कल अचानक हो सकता है और काम आ जाए, तो आप जो प्लानिंग कर रहे हो कल की वो कल की नहीं आज की होनी चाहिए, इस समय की होनी चाहिए। कल हो सकता है नई चीज आएंगी, उसको भी आपको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, तो नया टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो हर दिन को हर दिन के हिसाब से चलाइए भाई। सिलेक्शन लेके आओ तो तुम ले जाना भाई, पार्टी ले जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। मैं आपको सही बता रहा हूँ, जो बच्चों को लग रहा हो ना कि मैंने तो ईमानदारी से किया, वही ईमानदारी ऊपर वाला देख रहा है बेटा, चाहे मुझे कितना भी जागना पड़े या कितनी भी मेहनत करनी पड़े।